यार क्रिकेट तो वैसे भी विकेट का ही खेल है, ये हम सभी लोग जानते हैं। और आईपीएल 2023 में इन बातों को हम थोड़ा सा और अच्छे शब्दों से निहारते हैं जब बात करते हैं पर्पल कैप होल्डर्स के बारे में। पर्पल कैप होल्डर यानी कि भैया आप कितनी विकेटें चटकाने वाले हैं और सर का ताज पाने वाले हैं। जितनी ज़्यादा विकेटें उतनी ज़्यादा आपकी टीम के जीत के अनुमान। अब भैया एग्जाम्पल देख लीजिए, साल 2022 में राजस्थान रॉयल्स टीम के लिए युजवेंद्र चहल ने सबसे ज़्यादा विकेटें चटकाई और आरआर टीम फाइनल खेल कर आई। तो भैया आपका फ़ायदा टीम का फायदा इक्वल इक्वली होता है। तो ऐसे में साल 2023 में आखिर कौन से खिलाड़ी कौन से गेंदबाज अपनी टीम का फायदा कराएंगे? 10 टीमों से 10 खिलाड़ी पिक करूंगा जो नंबर वन कैंडिडेट बन सकते हैं आईपीएल 2023 में पर्पल कैप होल्डर्स के लिए। तो ऐसे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी आईपीएल 2023 के फैंस के लिए, 10 की 10 और टीमों के फैंस के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग और धमाकेदार कमालदार वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और चलिए हम शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द पर्पल कैप कैंडिडेट्स फ्रॉम द एसआरएच कैंप। सनराइजर्स हैदराबाद कैंप से पिछले साल भी उमरान मलिक ने अपनी गति से सामने वाली टीमों की दुर्गति की थी और मुझे लगता है और इम्प्रोवाइज्ड वर्जन में ही आपको वो नजर आएंगे साल 2023 में। सबसे बड़ा कारण ये है कि थोड़ा सा आपको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट के तौर पर नजर आते हैं। डेथ ओवर्स में स्पेशली गेंदबाजी करेंगे टी नटराजन के साथ, तो टी नटराजन भी उस रेस में आएंगे बट आई थिंक ही इज गोइंग टू डोमिनेट बिकॉज ही हैज गॉट दैट पेस। और फिर शुरुआत में भी ये गेंदबाजी कर जाते हैं तो उस चीज़ का थोड़ा सा एडवांटेज उमरान मलिक को मिलेगा। मिडिल ओवर्स के फेज में भी अपनी गति से ये बहुत लोगों को थोड़ा सा परास्त करते हैं। सो ओवरऑल ही हैज बीन फैंटास्टिक। थोड़ा सा टफ था पिक करना इस टीम से क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे पेसर्स और बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स इस टीम के पास है। वॉशिंगटन सुंदर भी हैं बट आई हैव गॉन विद उमरान मलिक क्योंकि साल 2022 भी बहुत बेहतर गया था, 22 विकेटें इस खिलाड़ी के पास थी। साल 2023 में भी आप करिश्मे की उम्मीद कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर केकेआर यानी कि कॉर्बो लॉर्बो जीतबो टीम के बारे में। तो भैया अब इस टीम के पास तो बहुत सारे विकल्प थे। आप नई गेंद से देखते हो तो उमेश यादव का विकल्प है, सुनील नारायण है, वरुण चक्रवर्ती हैं, बहुत विकेट चटका सकते हैं। पर मुझे लगा ईडन गार्डन में वरुण चक्रवर्ती सुनील नारायण स्पिनर्स थोड़ा सा मैं डाउट में आया। और उसके बाद जो है उमेश यादव नई गेंद के गेंदबाज हैं, डेथ ओवर में नहीं डालेंगे। लॉकी फर्गसन है पर उनकी फॉर्म कुछ खास ज़्यादा अच्छी हाल फिलहाल में इंडियन कंडीशन में है नहीं। सो अंत परंत दोस्तों मैंने पिक किया है यहाँ पर आंद्रे द जायंट रसल को क्योंकि पिछले साल भी उनका बहुत अच्छा सीजन गया था एंड डेफिनेटली ही इज़ अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट। तो भैया जो डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं वो वैसे भी अच्छी खासी विकेट चटका जाते हैं। और साल 2023 में भी आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि भैया आंद्रे द जायंट रसल थोड़ी बहुत विकेटें भी चटकाएंगे, मतलब काफी विकेटें चटकाएंगे इस टीम के लिए मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स के फेज में और साथ ही साथ बल्ले के साथ तो कोहराम बंदा मचाता ही है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस टीम के बारे में। तो भैया एमआई पल्टन के पास अब तेज गेंदबाजी में स्पीडस्टर्स की तो कोई कमी है नहीं, इनके पास जोफ्रा भी है, इनके पास जसप्रीत भी है। लेकिन अगर मुझे कोई एक खिलाड़ी पिक करना था तो मैं यहां पर दोस्तों बहुत सोच समझ के गया हूँ जोफ्रा आर्चर के साथ इसलिए क्योंकि उनके पास पेस है और दूसरी बात क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आईपीएल खेल नहीं रहे हैं तो वो एक ये चीज़ हो जाती है ना कि थोड़ा सा अलग रहे थे वो और उनकी रिकवरी भी ज़्यादा बेहतर हो रही है इन कंपैरिजन टू जसप्रीत बुमराह अभी तक रिकवर नहीं हुए और जोफ्रा आर्चर रिकवर हो चुके हैं और क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया और अच्छी पेस के साथ कर रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा रिदम देर में आएगी पर मुझे लगता है ही इज़ गोइंग मच बेटर देन जसप्रीत बुमराह, दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड हिम। मुझे लगता है वो अच्छे विकेट चटका सकते हैं। 2020 में अगर मैं गलत नहीं हूं जब उन्होंने राजस्थान के लिए खेला था तो काफी सारी विकेटें चटकाई भी थी, 14 पारियों में 20 विकेटें उनके नाम थी। आप उम्मीद करोगे कि इसी बेहतर इकॉनमी और साथ ही साथ इसी बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ साल 2023 में उनकी वापसी हो और एमआई कैंप के लिए वो विकेटों की झड़ी लगा दें। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में। तो भैया दिल्ली टीम के लिए तो भैया सामने वालों की दुर्गति जो करते हैं वो कुलदीप यादव ही है और एक बार फिर से मैं उन्हीं के साथ जाना चाहता हूं क्योंकि कुलदीप यादव अब देखिए दिल्ली में खेलेंगे, दिल्ली में स्पिनर्स का बोलपाला रहता है, इससे बेहतर ही करेंगे जितना वो पिछले आईपीएल में कर रहे थे और उनकी क्योंकि लय भी बहुत बेहतरीन है तो अपनी कला के साथ वो कहीं ना कहीं विकेटें काफी ज्यादा चटका सकते हैं। पिछले सीजन भी 21 विकेटें उन्होंने चटकाई थी और मुझे लगता है कि उससे बेहतर ही करते हुए नजर आएंगे इस साल भी। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर पंजाब किंग्स टीम के बारे में। तो पंजाब किंग्स टीम के पास देखिए अर्शदीप भी है, कगीजो भी है, इट्स वेरी टफ चॉइस टू पिक इफ एन दे हैव गॉट सैम करन। तो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तो इनके पास काफी ज्यादा है, अब डिपेंड करता है कि ये किस टीम के साथ जाएगी। मुझे लगता है दोस्तों कि सैम करन की हाल फिलहाल की फॉर्म थोड़ी सी ना डामाडोल सी नजर आ रही है भैया और इस चीज का इंपैक्ट आपको आईपीएल में भी देखने को मिल सकता है। तो फिर वो बाहर हुए तो अर्शदीप और कगीजो में से मुझे एक किसी को पिक करना था, इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट बट आई हैव गॉन विद कगीजो रबाडा क्योंकि पिछले सीजन भी उन्होंने ज्यादा विकेट चटकाई थी इन कंपैरिजन टू अर्शदीप सिंह। और फिर वही बात है कि डेथ ओवर्स में डालते हैं, शुरुआत की नई गेंद से डालते हैं तो फिर विकेटें गिरने के हमेशा सबसे ज्यादा आसार रहते हैं और उन्होंने विकेट चटकाई भी है तो हम उम्मीद भी करते हैं कि साल 2023 में भी ये इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद हम बात करें यहां पर आरसीबी टीम के बारे में। तो यार आरसीबी टीम के लिए मुझे
थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी नजर आया, क्योंकि डेफिनेटली मोहम्मद सिराज एक बहुत ही एक्सेप्शनल नाम है और उनको ना पिक करना मेरे लिए एक टफ डिसीजन था। बट मैं यहाँ पर जा रहा हूँ वनिंदु हसरंगा के साथ। अब उसका कारण मैं शायद इस तरीके से जस्टिफाई कर सकता हूँ कि पहली बात तो थोड़ी सी मेरी गट फील है, और दूसरा मैंने ये सोचा कि चलो चिन्ना स्वामी पे मोहम्मद सिराज छोटू सा ग्राउंड, वी रियली डोंट नो कि चीज़ें कैसे पैन आउट होंगी। वैसे हमें हसरंगा का भी नहीं पता, बट एट द एंड ऑफ द डे हसरंगा के पास थोड़ी सी कला है, एंड देन व्हेन ही इज गोइंग टू प्ले एट चेपॉक दिल्ली, तो थोड़ा सा उनको एडवांटेज उस चीज़ का ज़्यादा मिल जाएगा। तो मुझे लगा कि क्या पता उनके और मतलब वो अच्छे विकेट चटका जाएं। और एक बात और आपको बताता हूँ, क्योंकि मोहम्मद सिराज एंड ऑल आर गोइंग टू बोल एक्सेप्शनली वेल, फिर चाहे वो जॉश हो, फिर चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, फिर हर्षल पटेल बैक एंड है, फिलहाल उनको छोड़ो। तो अगर पावर प्ले में सामने वाली टीम उतना रन नहीं बना पा रही है तो वो डिफेंसिव अप्रोच अपनाएंगे और फिर वो मिडिल ओवर के फेज में वनिंदु हसरंगा को टारगेट करने जाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं वो ज्यादा विकेट चटका सकते हैं। तो एक ये मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, दैट्स व्हाई आई हैव गॉन विद वनिंदु हसरंगा। बाकी डेफिनेटली मोहम्मद सिराज भी वो कैंडिडेट हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा विकेट ना सिर्फ केवल आरसीबी के लिए चटकाए, बल्कि पर्पल कैप की रेस में शायद सबसे आगे भी नजर आए आईपीएल 2023 में, क्योंकि डेफिनेटली आप उनकी फॉर्म को हाल फिलहाल में देख सकते हो। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स टीम के बारे में, तो यहां से भी मेरे लिए रास्ते बहुत कठिन थे, क्योंकि अब सबसे बड़ी बात तो ये थी कि इनके पास डेथ ओवर स्पेशलिस्ट तो कोई खास ज्यादा है नहीं, तो ये किससे कराएंगे? क्या दीपक चहर डालने आएंगे? तो फिर अगर दीपक चहर इंजरी फ्री रहते हैं, उनको कोई इंजरी नहीं होती, तो डेफिनेटली वो पर्पल कैप की रेस में आएंगे, लेकिन उनके साथ इंजरी कंसर्न मुझे हमेशा परेशान करता है। तो फिर यहां पर मैं कंफ्यूज हो गया बेन स्टोक्स को लेकर, देन मैंने सोचा क्या पता जडेजा, क्योंकि आपको फिर वही पता है कि आप चेपॉक की कंडीशन में खेलोगे, वहां पर जडेजा भी चल सकते हैं। लेकिन फिर मेरे जहन में आते हैं महेश थिक्षाना, और महेश थिक्षाना ने हाल फिलहाल में डेथ ओवर स्पेशलिस्ट का भी रोल अपनाया, तो अगर सीएसके के लिए भी भैया वो एक दो ओवर डाल रहे हैं लास्ट में ना, तो फिर उनके विकेट चटकाने के चांसेस इनटू 100 होंगे, एंड दैट्स व्हाई आई हैव गॉन विद महेश। मुझे लगता है वो काफी बेहतर कर सकते हैं और अच्छी विकेटें उन्हें मिल सकती हैं। डेफिनेटली उनके आंकड़े उनको उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, साल 2022 में उनको इतनी विकेटें मिली विली नहीं है भैया, बहुत ज्यादा मैचेस खेले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिस IPL could be different from him. I'm just assuming, मुझे ऐसा लगता है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर LSG यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम के बारे में, तो इनके पास तो भैया नई गेंद के बहुत बेहतर गेंदबाज हैं, लेकिन बाद में इनके टीम को लेकर भी मुझे थोड़े से लोचे नजर आ रहे थे, बट आई हैव गॉन विद दोस्तों आवेश खान, क्योंकि आवेश खान वंस अगेन डेथ ओवर्स में डालेंगे ही डालेंगे, शुरुआत से भी डालेंगे, और इनको विकेटें मिल जाती हैं, ये सबसे बड़ी काबिलियत है, रन खाते हैं पर विकेट चटका जाते हैं, और इसीलिए आवेश खान को यहाँ पर लोग काफी ज्यादा मानते हैं। तो बहुत ज्यादा LSG ने इन्वेस्ट भी कर रखा है और मुझे लगता है कि इनको विकेटें मिलेगी। मार्क वुड के साथ दिक्कत यही है कि शुरुआत में बहुत विकेट चटकाते हैं, बट ही इज नॉट अ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, तो वहां पर चीजें थोड़ी सी बिगड़ जाती हैं। रवि बिश्नोई को इसलिए पिक नहीं किया क्योंकि LSG में मतलब लखनऊ का बेसिकली जो ग्राउंड है उसको इंप्रोवाइज कराया जा रहा है, तो अगर अच्छा ग्राउंड बन गया तब तो फिर मतलब हो सकता है कि उनको उतनी विकेटें ना मिले, नहीं तो जैसे हमने मैचेस देखे हाल फिलहाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वैसा ग्राउंड रहा तब तो भैया रवि बिश्नोई पर्पल कैप उठा रहे हैं, इसमें कोई शक है नहीं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर गुजरात टाइटंस टीम के बारे में, तो भैया गुजरात टाइटंस टीम से मैं जा रहा हूं यहां पर मोहम्मद शमी के साथ, क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली डिलीवर किया है, एंड मुझे लगता है अहमदाबाद में थोड़ी सी रेड एंड ब्लैक स्वाइल की पिचेस पर कुछ ऐसी पिचेस उन्हें मिलेंगी, कुछ ऐसी पट्टियां मिलेंगी जहां पर वो विकेटे भी चटकाएंगे, और जब वो बाहर निकलेंगे तो भी अपनी गति से वो विकेटे चटकाने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई आई हैव गॉन विद मोहम्मद शमी। और उसके बाद दोस्तों मतलब यहां पर वैसे मैंने इग्नोर किया है करामाती खान को, मुझे पता है, पर करामाती खान अहमदाबाद थोड़ी सी बेल्टर है, विकेटे तो वो चटकाएंगे, कहीं भी चटकाते हैं, हर जगह चटकाएंगे, पर सबसे ज्यादा शायद ना चटका पाए। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट RR यानी कि राजस्थान रॉयल्स टीम के बारे में, तो डेफिनेटली दोस्तों कोई और नाम मैंने सोचा नहीं, क्योंकि युजवेंद्र चहल का यहां पर नाम था, चतुर चलाक चंचल चहल, चाहे जयपुर में खेलें भैया, चाहे जहां खेलें, जितनी ज्यादा विकेटें इन्होंने चटकाई हैं उतनी किसी ने तो चटकाई नहीं है, तो भैया इनकी परफॉर्मेंस लगातार लाजवाब रही है, पिछले सीजन भी थी, इस सीजन भी आप उम्मीद डेफिनेटली करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों ये रहा सभी 10 टीमों से 10 नाम जो मुझे लगता है आईपीएल 2023 में पर्पल कैप की रेस में भागदौड़ करने वाले हैं। आपको क्या लगता है? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग शानदार वीडियोस लगातार आप लोगों तक पहुंचते रहें।